हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र और आज हम बात करेंगे टू वे नल के अंदर आप स्प्लेंडर कैसे चेंज कर सकते हैं। स्प्लेंडर यानी ये वाला, ठीक है। अगर आपका नल टपकता है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, तो आपका नल वैसे का वैसा हो जाएगा। अब ये मैंने अभी एक कस्टमर को दिया था, ये इस तरफ घूमता है, लेकिन उन्होंने कुछ भी कारण इस तरफ घूमने का हो गया, उल्टा घूम रहा है अभी। तो उनका कंप्लेन था और नल टपक रहा है, तो आज मैं उनको इस नल के अंदर स्प्लेंडर भी चेंज करके दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे LNK का ऑप्शन दिया गया है। हर नल के अंदर LNK का ऑप्शन दिया गया रहता है। कई बार क्या होता है कि ब्लू कलर का डॉट रबर का लगा हुआ होता है, उसके नीचे इस तरह का LNK का बोल्ट रहता है। तो आपको सबसे पहले वो खोल देना है LNK के माध्यम से। तो हमने ये अभी निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, ये हैंडल LNK आप खोल दोगे तो ये हैंडल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, आसानी से तो नहीं निकला लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आटे रहते हैं तो इसे हमें खोल देना है। और ये रहा हमारा स्प्लेंडर, आप देख सकते हो इसमें थोड़ा थोड़ा रस्ट लग गया है और कंप्लेन थी कि पानी भी टपक रहा है, तो हम इसे बदल देंगे। इसके लिए हमें फिक्स पाने से इसको खोलना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिक्स पाने से खोलना पड़ेगा। पाना लगेगा 14 नंबर का फिक्स पाना। फिक्स पाने को लेके आप अगर घुमाओगे तो ये निकल जाएगा, हाँ सर, उल्टी दिशा में। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये निकल गया। तो हम ये पुराना वाला निकाल देंगे, नया वाला लगा देंगे। देख सकते हैं आप, सेमी स्प्लेंडर है, इसमें भी तो क्वालिटी आती है। एक थोड़ा हैवी वाला आता है, ये आपको 50 से 60 रुपये में पड़ेगा। हैवी वाला 90 से 100 रुपये के आजू बाजू पड़ जाएगा। देख सकते हैं अंदर से नल, हमें इसको रख देना है बंद करके और इसे फिट कर देना है। एकदम टाइट फिट कर दिया। अब हमें ये ढक्कन भी इसको वापस लगा देना है। देख सकते हैं अंदर रस्ट लगा हुआ है सब, तो इसे साफ कर देंगे। पहले साफ करने के बाद इसको फिट कर देंगे। ये वाला हैंडल भी थोड़ा ख़राब है, आप देख सकते हैं इस पर क्षार लगा हुआ है। ज़्यादातर क्या रहता है कि जो पानी में क्षार रहता है वो इस तरह से हो जाता है, पूरा नल की हालत बिगड़ गई थी। आपको इसको साफ करना तो नींबू की मदद से आप साफ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, नींबू की मदद से साफ हो जाएगा। और नींबू आप पीसोगे तो पूरा निकल जाएगा। मैं आपको इसका साफ करने के बाद भी वीडियो दिखाऊंगा और इसके पहले का भी वीडियो दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा। तो अब ये हैंडल उल्टा लग गया था, तो हमें इसको सीधा लगा देना है। आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी ये लगा दिया है, तो इसको सीधा बिठा देंगे। अब खुलेगा किस तरफ, यो नहीं। तो ओरिजिनल किस तरह से घूमता था वो एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको लगाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि ओरिजिनल कुछ इस तरह से लगता है, ये सीधा, ठीक है, और यू खुलता है।
क्षेत्र में उस हिसाब से फिट करना रहेगा। तो पहले ये लगा देते हैं ढक्कन, इसका ढक्कन फिट हो गया। अब इसको सेटिंग करके बिठाना है। और ये लग गया कुछ इस तरह से। अब जो हमने स्क्रू निकाला था वो हम लगा देंगे, ये वाला एलएन की वाला। तो आधे छोटा है साला, हाथ से घिर जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी रहती है इसको फिट करने में। कई बार गिर जाता है तो मिलता भी नहीं है। तो वो ये लगा दिया, अब फिट कर देंगे इसको। अभी किसी की शादी हो रही है, जोर जोर से बाहर डीजे भी बज रहा है, आपको सुनाई देगा होगा। तो ये हो गया हमारा एलएन की भी लग गया, और ये हो गया हमारा स्प्लेंडर चेंज। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को ज़रूर से।